नारायणपुर थाना इंचार्ज है सुरेश जी, और ये पूरा पुलिस कर्मी पूरा डिपार्टमेंट है पुलिस का, ये पूरे आप कितने दिन से घर नहीं गए हैं? एक महीना हो गया। आप दो महीने हो गए, 2 महीने से घर नहीं गए, कोई भी पुलिस कर्मी अपने घर नहीं गए हैं 2-2 महीने से। और ये जो एक बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है हमारे भारत देश में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में, और पूरे वर्ल्ड में इतनी खतरनाक ये महामारी फैल रही है। आपने प्राचीन काल में सुना होगा कि अपने बुजुर्ग कहते थे कि कभी एक बहुत खतरनाक बीमारी फैली थी और इतने लोग उसमें मारे गए थे, उसका चाचा गया था, उसका बाबा गया था। तो ये उसी तरीके की आज भी वैज्ञानिक युग में इतनी खतरनाक महामारी बीमारी जिसका कि इलाज नहीं है, और पूरे संसार में इसका इलाज नहीं है, पूरा वर्ल्ड इससे लड़ाई लड़ने को तैयार है। तो हमारे भारत देश के, हमारे राजस्थान के अलवर जिला बांसूर नारायणपुर तहसील के ये सभी पुलिसकर्मी एक सैनिक की तरह से, एक योद्धा की तरह से दिन और रात 24 घंटे की सेवा दे रहे हैं। और जहाँ से भी कोई फ़ोन आता है तो ये वहाँ तुरंत पहुँचते हैं। किसी के पास राशन नहीं है उसकी भी मैं जिम्मेदारी कई बार देती हूँ, फ़ोन करती हूँ, इंचार्ज साहब कहाँ हो, वहाँ पर हैं, फलाने ढाणी में राशन नहीं पहुँचा है या वहाँ कोई बात हो गई है, वहाँ अव्यवस्था हो रही है, तो तुरंत पहुँचते हैं, सबको घर में रहने के लिए निर्देशित करते हैं। मेरा सभी जनता जनार्दन से निवेदन है कि आप और हम सब, ये भी अपने परिवार के सदस्य हैं, ये भी किसी के बेटे हैं, भाई हैं, किसी का सुहाग है, तो मेरा निवेदन है कि आप भी इनका सम्मान करने के लिए, अपने बचाव के लिए, आप अपने स्वयं के बचाव के लिए आपको अपने घर में रहना है, आपको वेस्ट में नहीं घूमना है, आपको अगर कहीं ज़रूरत की चीज़ की ज़रूरत हो, आवश्यकता है, तो ही आप बाहर निकलें, अन्यथा घरों से बाहर नहीं निकलें। क्योंकि जब बूढ़े बड़े भी कहते हैं कि बहुत बुरा वक्त है भाई, बाहर मत निकलो, तो वो वाली बात है कि महामारी का ये बहुत बुरा वक्त है, तो वक्त का इंतज़ार करो, अच्छा वक्त आएगा, वापस से जब बीमारी से निजात पा लेंगे तो आप खूब बाहर निकलना। तो आप सभी से मेरा भी निवेदन है कि आप बाहर नहीं निकलें, यहाँ पीर संजयनाथ महाराज जी की कृपा है। हम दुआ करते हैं हाथ जोड़ के कि हमारे नारायणपुर में, विधानसभा बांसूर में ये बीमारी नहीं फैले, नहीं आना चाहिए, कोई भी रोगी यहाँ पर पॉजिटिव नहीं आए और कोई मरीज भी नहीं आए। ये सब जिम्मेदारी आपकी भी है, जनता की भी है, मेरी भी है, सबकी है। ये कर्मवीर बन करके सेवा कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, अपना धर्म कर रहे हैं। तो आपसे मेरा पुनः निवेदन है कि आप बाहर नहीं निकलें, अपने घरों में रहें, रिश्तेदारी सब जगह फ़ोन पे बात कर लो आजकल, तो आप सब इन सब का भी सम्मान करें, और इंद का भी फर्ज है कि आपका सम्मान करेंगे। तो सब एक परिवार के सदस्य हैं, पूरी बांसूर विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है, हर युवा, हर बुजुर्ग, हर महिला, हर बालक, आप सब MLA है मेरी जनता, मैं जनता की सेवक हूँ, और मैं इसीलिए हर दूसरे दिन, हालांकि मुझे भी हिदायत दी जाती है कि आप बाहर नहीं निकलें, लेकिन मैं मेरे परिवार को छोड़ के कैसे कहाँ रह सकती हूँ। आपको संभालने के लिए, अपने परिवार की देखरेख करने के लिए मुझे आना, यहाँ मेरा फर्ज भी है, कर्तव्य भी है, कर्म भी और धर्म भी है। तो आपसे निवेदन है कि आप कृपया करके सब अपने घरों में रहें, और जब तक ये महामारी से हमें निजात नहीं मिले, इतनी खतरनाक महामारी है ये जिसका इलाज नहीं होने के कारण एक जना सैकड़ों को लेकर मरता है, ये सबसे बड़ी और भी दुख की बात है। तो आप सब अपने घरों में रहें, ये निवेदन है मेरा। सड़कों पे नहीं घूमें, बाहर ताश पत्ती नहीं खेलें, बाहर नहीं जाएं, और सब बचाव ही इसका उपाय है। आप सब सेफ रहें, और ये सब कर्मवीर जितने भी पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आशा सहयोगिनी हैं, नर्सेज हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सफाई कर्मी हैं, ये सब के सब एक कर्मवीर की भूमिका निभा रहे हैं, और ये आपके लिए, आपकी सेवा के लिए आगे ये खड़े हैं, पीछे आपको रख रखा है कि कोई भी बीमारी आएगी तो पहले सामना डॉक्टर करेगा, पुलिसकर्मी करेगा, सफाई कर्मी करेगा, कर्मचारी करेगा। तो आप सबका भी फर्ज बनता है अपना कि अपन सब इनका सम्मान करें। आप सब कर्मवीरों का बहुत धन्यवाद, और मैं आभार व्यक्त करती हूँ आप सबको। डिपार्टमेंट को ही डर होता है सबसे पहले तो।